28 और 29 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति दरभंगा में बिहार की होने जा रही है। बिहार में पटना में भी G20 सम्मेलन के लिए पटना को भी केंद्र बनाया गया है। पूरे दुनिया में चर्चा होगी, इसके लिए मैं हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। आज हम पहुंच गए हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पे बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी तरह की बातें की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले निशाना साधा है नीतीश कुमार पर। उनका कहना है कि वो समाधान यात्रा पे इसलिए निकले हैं ताकि वो लोगों के सवाल से बच सकें। जी हाँ, उनका कहना है कि वो इस तरह की यात्राएं इसलिए कर रहे हैं ताकि अभी बेरोजगारी और भी लोगों की तरह तरह के सवाल हैं, वो उन सारे सवालों से बचने के लिए वो यात्रा पे निकल गए हैं। उनका साथ साथ ये भी कहना है कि 28 और 29 जनवरी को बिहार में बीजेपी कार्य समिति में बैठक होने जा रही है दरभंगा में। इसके रिगार्डिंग में उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पे भी चर्चा किया। साथ साथ उन्होंने कहा है कि G20 सम्मेलन के लिए पटना को भी चुना गया है, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद कहा है। और क्या कुछ कहा है संजय जायसवाल ने, देखिए इस वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है और बिहार भाजपा के लिए और ज्यादा उत्साहवर्धक बात है। 16-17 को जो राष्ट्रीय कार्य समिति, उसमें माननीय जेपी नड्डा जी को जून 2024 तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एक्सटेंशन दिया गया। बिहार भाजपा के लिए इसलिए भी बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा बचपन, जन्म, शिक्षा सभी पटना में ही हुआ है। इसलिए बिहार के भारतीय जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना अंग समझती है और यहीं से वह उनका राजनीतिक सफर इमरजेंसी के दौरान एक भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही चूंकि यह एक परंपरा है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद हमारे प्रदेश की और मंडलों की कार्य समिति होती है, 28 और 29 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति दरभंगा में बिहार की होने जा रही है। हमारे सभी जिलों की कार्य समिति 5 फरवरी से पहले हो जाएगी और सभी मंडलों की कार्य समिति 12 फरवरी से हो जाएगी तक हम कर लेंगे। इस पूरे चेन का कारण यह होता है कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति में कार्यक्रम तय होते हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति में जो चीजें मार्गदर्शन मिलता है, वह हम मंडल के कार्यकर्ताओं तक उन निर्देशों को पहुंचा सके और उसके हिसाब से मंडलों में हम अपना कार्य कर सके, भाजपा का प्रत्येक कार्य हो सके। भाजपा बिहार के लिए इसलिए भी गर्व की बात है कि जो राजनीतिक प्रस्ताव आया उसमें बिहार के उपचुनावों का भी अलग से, उस विजय का, गुजरात चुनाव के विजय के साथ बिहार के भी उपचुनावों के विजय की चर्चा हुई। इसके लिए भी हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करते हैं। और देश आर्थिक महाशक्ति कैसे बने, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उन सबों में लग जाएगी। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि बिहार में पटना में भी G20 सम्मेलन के लिए पटना को भी केंद्र चुना गया है। आज तक पूरे दुनिया में कहीं भी G20 सम्मेलन होता है तो केवल या तो उसके देश की राजधानी में होता है या आर्थिक राजधानी में होता है, इससे बाहर कभी नहीं किया। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि G20 सम्मेलन हिंदुस्तान के 56 शहरों में हो रहा है और पटना को भी उसमें लिया गया है। मार्च में पटना में G20 सम्मेलन होगा तो यह पूरे बिहार वासियों के लिए भी हर्ष की बात है। देश में हमारा बिहार के बारे में पूरे दुनिया में चर्चा होगी, इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने G20 के लिए पटना एक केंद्र चुना है और इससे बिहार की परंपरा, बिहार की संस्कृति पूरे दुनिया में फैलेगी, उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और
जो ये पूरी हमारी कार्य समिति है, इससे कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आएगा, नया जोश आएगा और हम जो अपना लक्ष्य है उस पर निश्चित पहुंच सकें। तो सुना आपने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने, उन्होंने सारी बातों पर चर्चा करते हुए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।